Welcome to Quantum Classes in DOIT. Today we will solve 10th class numerical when the resistors are connected in series and parallel. In the last video of class 10, we have discussed about it. And now, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब कभी भी हम लोग रेजिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखना ये होता है कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में जुड़ा है और कौन सा पैरेलल में जुड़ा है। इसको पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमको इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है उनमें से किसी एक पॉइंट से करंट पास करा देते हैं। ये जो गिवन फिगर है, इस फिगर में हमको फाइंड आउट करना है फाइंड द इक्विवेलेंट रजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। तो इसको पता करने के लिए हम पी से या क्यू से कहीं भी एक साइड से करंट पास करा देंगे। हमने करंट पास करा दिया, इसमें सपोज करिए कि ये आई करंट पास कर रही है। जब ये आई करंट आगे बढ़ रही है तो इस बी पॉइंट पर इसके पास दो पाथ मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर करंट पास होने के दो तरीके, ये आई जो करंट है, मान लेते हैं इसमें I1 करंट और ये I2 करंट में डिवाइड हो गई। अब ये I1 और I2 में डिवाइड हो गई, इसका मतलब कि ये इस ब्रांच के रजिस्टर्स और ये BC के बीच के जो रजिस्टर हैं 10 ओम वो पैरेलल में हो गए। क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब करंट डिवाइड होने लगती है तो वो पैरेलल कम्बिनेशन होता है, और सीरीज होता है तो उसमें करंट डिवाइड नहीं होती है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि ये यही I1 करंट आगे बढ़ेगी और ए पॉइंट पर आएगी और ये फिर से ये इसमें भी I1 करंट ही पास करेगी। इसका मतलब कि ये 5 ओम और ये 5 ओम के जो रजिस्टर्स हैं ये आपस में सीरीज में हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि करंट डिवाइड ही नहीं हुआ। जितना करंट इसमें फ्लो कर रही है उतना ही करंट इसमें फ्लो कर रही है, यानी ये सीरीज में हुआ। सीरीज कम्बिनेशन ऐसा कम्बिनेशन होता है जिसमें करंट डिवाइड नहीं होता है। अब ये करंट फिर यही यहाँ आएगी और इधर से ये I2 आएगी, इधर से I1, फिर ये मिल करके I ही हो जाएगी। तो अब हम लोग ये पता कर लिए कि इसमें से कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। अब दूसरी बात इसमें क्या देखनी होती है, दूसरी बात ये देखनी होती है कि इसमें से किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो AB और AC साइड वाला यानी I1 वाला जो करंट है इस ब्रांच में दो दो रजिस्टर्स जुड़े हैं, जबकि BC में केवल एक रजिस्टर जुड़ा है। तो इसलिए हम लॉन्गेस्ट ब्रांच वाला ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे कि सिंस 5 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कैसे हुआ? क्योंकि इसमें करंट डिवाइड नहीं हुआ। अब सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? RS=R1+R2, यानी आ जाएगा 5 ओम + 5 ओम, यानी आ गया 10 ओम। ये 10 ओम आ गया, ये AB और AC के बीच जुड़े हुए जो रेजिस्टेंसेस हैं इनका इक्विवेलेंट। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गया। अब ये BC वाला पोर्शन ये रहा BC पार्ट, ये P पॉइंट, इधर Q पॉइंट, और इस AB और AC के बदले हम केवल एक रजिस्टर्स यहाँ पे अब जोड़ लेंगे और ये हमारा 10 ओम का फिर से ये हो जाएगा और 10 ओम का ये। अब यहाँ हम लोग देखे हैं यानी ये 5 ओम और 5 ओम रजिस्टर्स को हटा करके उसके बदले केवल एक रजिस्टर 5 ओम का लगा देंगे, यही रजिस्टर हमारा इक्विवेलेंट कहलाएगा इन दोनों का, AB और AC के बीच का। अब यहाँ पर करंट I1 और इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है, यानी ये दोनों ही रजिस्टर्स जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम लोग इनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/RP=1/R1+1/R2। तो ये 10 ओम और 10 ओम के दो रजिस्टर्स हैं, तो यहाँ 10 ओम
प्लस 1/10 ओम, एलसीएम 10 आएगा, ऊपर 1+1 यानी ये 2/10 कैंसिल करेंगे, 1/5 आएगा, 1/RP इक्वल टू इतना, देयरफॉर RP इक्वल टू आ जाएगा 5 ओम। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं, कि वो दो चीज़ें देखना है, एक तो सबसे पहले पता करना है कि सीरीज़ में है कि पैरेलल में, तो सीरीज़ और पैरेलल पता चल जाए तो हमको ये देखना है कि उसमें सबसे ज़्यादा रजिस्टर्स किस में जुड़े हैं, तो हम उसको सिंप्लीफाई करते करते तब छोटे वाले के पास आएंगे और फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा।